हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी एक सीरीज चला रही हूँ, जिस सीरीज में मैं आप लोगों को बताती कि कैसे हम फल, सब्जियों और घर के मसालों आदि के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्याज। तो चलिए देखते हैं कि प्याज में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं और किस किस समस्या में हम प्याज का उपयोग करें तो हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। रिसर्च से पता चला है कि प्याज का रस हमारे शुगर लेवल को कम करता है, यानी हम डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्याज बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है क्योंकि ये फाइबर से भरा हुआ होता है। प्याज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। प्याज में फैट ना के बराबर होता है, इसलिए जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ हो वे भी इसका भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। यदि हम प्याज का ज़्यादा लाभ लेना चाहें तो हमें प्याज को लहसुन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, उन लोगों को जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, इससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। यदि किसी के बाल असमय सफ़ेद हो गए हों तो यदि वो हफ्ते में 2 से 3 बार प्याज के रस का अपने बालों पर मसाज करते हैं तो और 1 घंटे के लिए छोड़ कर रखते हैं तो उनके जो असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसको ये रोकने का काम करता है। ये हमारी स्किन के इन्फेक्शन को भी रोकता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। यदि प्याज को टमाटर के साथ खाया जाए तो प्याज और टमाटर दोनों के ही भरपूर गुण मिल जाते हैं हम लोगों को। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये अनिद्रा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्याज के कुछ औषधीय उपयोग। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।